गिद्दड़बाहा दे विच हाल ही दे विच एक जनतक रैली दे विच राजा बड़िंग दे वल्लों संबोधन दौरान एक टिप्पणी दे कारण विवाद शुरू होया है। वीडियो दे विच राजा बड़िंग कहिंदे सुनाई दिंदे हन कि मेरी पत्नी सवेरे 6 बजे तैयार होने तो बाद अपनी चोण मुहिम दे लई रोजाना मैदान दे विच उतरदी है ते 11 बजे वापस आउंदी है। ओह हुण मेरे तो दूर है, कृपा करके मेरे लई एक रसोईए दा प्रबंध करो जो भोजन तैयार कर सके। कुछ दिन बाद विधानसभा उपचुनाव नतीजे आने तो बाद ओह होर भी कामां दे विच रुझ जावेगी। बाकी मैं कमो गया जमा कर लै जो न्याणे निके निके फिर घर आई तड़के सोची दिंदी ला के निकल जाती 6 बजे जाती है रात को 11 बजे उठी है। मेरे तो गोल गले पक गई, मैं तो मेरे तो कमो गई नहीं। सच्ची गल तुसी दसो 6 बजे दिन नहीं जावे तो 11 बजे आते तो मेरे गल नहीं आती बोलो। मैनू तो कोई नागरी भाल दियो, नागरी भाल दियो जेड़ा मेरिया रोटियां राटियां पका छड़िया करे। ये तू बाद ब्याह मकलावे चल पैणगे, भोग चल पैणगे, जगराते चल पैणगे। मैं तो गीते करूंगा भी किथे है मिल जा कदे 2 मिंटा च, होर की होगा कहते दस यही होर क्यों। थोनू तो पता भी ना मैं तो इधर गया था भी मरिया इधर गया था भी मरिया सुखने आयो तुसी बहुत चंगे लोग है। ना मैं थोड़े चो कदे गया है, ना मैं थोड़े चो कदे जाना है। चंगा है माड़ा है पर राजा बड़िंग दूजिया नालों 100 गुणे चंगा है। अपनी पत्नी बारे राजा बड़िंग वालों दिए गए बयान तो बाद हुण केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भड़कते नजर आ रहे हैं। इस टिप्पणी संबंधी केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इस तरह दी टिप्पणियां पुराने लिंग आधारित नियमों नूं मजबूत करदी हन, जिस नाल औरतां लई अपने टीचियां नूं पूरा करना होर भी मुश्किल हो जाता है। बीजेपी लीडर अते केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग वालों अपनी पत्नी बारे दिए गए बयान नूं लैके तंज कसदिया कहा कि कामकाजी औरतों बारे राजा बड़िंग दी टिप्पणियां की निखेधी करनी जरूरी है, क्योंकि बड़िंग का बयान ना सिर्फ अपनी उसकी पत्नी का निरादर करता है सगो उसकी मानसिकता भी उजागर करता है जो समाज के औरतों के योगदान घटा के पेश करती है। राजा बड़िंग की टिप्पणी उत्ते मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि उन्होंने नारी समाज तो माफी मंगनी चाहिए है। सुनो होर की कुछ बोले मंत्री रवनीत बिट्टू। चलो गल उन्होंने बेशक करती है पर मैनू क्योंकि वो पंजाब दे प्रधान ने लुधियाने तो मैंबर पार्लीमेंट ने की सेध दे रहे हो साडियां भैणां नूं साडियां बेटियां नूं वो कहना की चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं भी मेरी घरवाली मेरी जोगी नहीं रही, वो सवेरे ही सुरखी बिंदी ला के 6 बजे निकल जाती है 11 बजे रात नूं आउंदी आ। की मतलब ठीक है वो थोड़े घर की गल आ, तुसीं की कहना चाहुंदे हो भी जिहड़ियां साडियां भैणां मावां साडियां बेटियां कम करदियां आ। अज तां बंदे ते कोई लेडीज कोई फर्क ही नहीं, दिन रात वो कम करदियां मेहनत करदियां घरों जांदियां अपने बच्चे छड के जांदियां। इहदा मतलब तुसीं की कहने हो भी वो किसी जोगियां नहीं रहिंदियां। इस करके बड़ी गंदी ते घटिया शब्दावली तुसीं इह एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि यह गल करदी नहीं रहेगी। जो तुसीं इलेक्शनां च आ जाने हो फिर सारा कुछ लोगों के नाल थोड़ा वाह वास्ता हुंदा, लोगों के की असर पाने हो तुसीं की गल कहने हो। पर अज जिहड़ियां तुसीं गल्लां कीतियां मैनू समझ नहीं आई। एक पासे तो तुसीं आप प्रधान हो अपनी वाइफ नूं घर वाली साडी भैण नूं टिकट दित्ती, अज साडी भैण नूं तुसीं कही जांदे हो मेरे कम दी नहीं रही, इह सवेरे 6 बजे निकल जांदी आ 11 बजे आउंदी आ ते सुरखी बिंदी ला के। की तुसीं साडियां भैणां नूं किसे नूं तुसीं उहनां दा क्यों टीचर कर रहे हो, क्यों मखौल उड़ा रहे हो भी उह कपड़े भी चजदे जां अपनी तैयारी भी नहीं कर सकदियां। इस करके अपनी थोड़ा जिहा घरे बैठ के कंट्रोल करो, हर वेले तमाशा करके वोटां दी गल नहीं हुंदी। मेरा रोटी दा प्रबंध कर को छोटे बच्चे आ, बच्चे तां नाल ही ने सारे, ते जिहड़े काम करदियां लेडीज़ ओह बच्चे नहीं सांभदियां। ते तुसीं इह ड्रामा ना करो, मिलके सारा कुछ तुसीं घर च करदे हो पर इह तुसीं करी जाओ, अंदर बैठे जो मर्जी एक दूजे नूं कहो पर बाहर
किसी भी धी भैन बारे भी जे कम ते हो जांदी है तां कम दी नहीं रहिंदी ये शब्द आ जिहड़े तुसीं इहदे लई मैं समझदा पहला तुसी यही गल्ला करके अकाल तख्त साहब जथेदार साहब तो माफी मंगी हुण तुसी सारे नारी समाज तो माफी मंगो अज बहुत रोस आ भी यार ये कैसा बंदा है जिहड़ा ये कह रहा भी साडी जे किसी दी भी धी भैन कोई कम ते जांदी आ कारोबार करदी आ ते ओह कम दी नहीं रहिंदी बहुत शर्मनाक अज गल आ जिहड़ी तुसी बड़िंग साहब कीती आ मैनू तां थोड़े ते बड़ा मेहनत सी भी हसबेंड वाइफ आ जिहड़ा तुहाडा ओह बड़ा तुसी बाहर तां रिश्ता दिखाउंदे पर अज पता लग्गिया भी तुसी किस लैवल ते थोड़ा जिहड़ी थोड़ी दिमागी सोच आ ओह किस लैवल ते गिरी हुई है किस किस हिसाब नाल तुसी किसे लेडीज नूं जां मां भैण नूं किसे बारे तुसी की सोचदे हो किसे भी साडी मां भैण किसे नूं सुरखी बिंगी बिंदी नाल उहनां दे तैयार होए ते जां उहनां दे श्रृंगार करे ते उहनां नूं तुसी किस लहजे नाल देखदे हो जां तोलदे हो इस करके बहुत माड़ी गल आ सारा सारियां दीआं धीआं ते अज पुत बराबर ने सारे कम करन जांदे आ तुसी आ जिहड़ी टिचर कीती आ पिंड सारे लोकां नूं अपने जाने तुसी हसाउण दीआं गल्लां करदे हो तुसी कोई कमेडियन हो इस करके बहुत निंदण योग तुसी गल कीती आ जिड्डा इहदा विरोध कीता जावे मैं आके सारियां अपने इलाके दीआं गिदड़ वहे दीआं धीआं भैणां नूं कहना चाहुंदा मावां नूं कहना चाहुंदा जिहड़े बंदे दी सोच इह आ अपनी घरवाली बारे अपने चलो उन्हां दी फिर मैं दोबारा कहना भी ओह घर दी गल आ उन्हां दी पर जदों सियासत च तुसीं बाहर आ जांदे हो वोट मंगदे हो ते लोकां ते थोड़ा वध अधिकार हुंदा है ते इहो जिहियां गल्लां करके तुसीं बहुत डीमोरलाइज कीता है साडा अगाह वधू जिहड़ा समाज दे विच साडा रिश्ता है जां साडियां भैणां मावां दा जो स्थान आ उहदे बारे तुसीं बहुत इह घटिया गल कीती है लुधियाणा तो संसद मैंबर अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग अते भाजपा आगू रवनीत सिंह बिट्टू दरमियान लिंग आधारित टिप्पणी नूं लै के सियासी हमले तेज होण दे बाद अमृता बड़िंग ने अपने पति दे पक्ष दे विच इक वीडियो जारी कीती है वीडियो दे विच अमृता बड़िंग ने रवनीत सिंह बिट्टू उत्ते वरदियां कहा कि उन्हां नूं केंद्रीय मंत्री दे अहुदे उत्ते हुंदिया अजिहे बयान देण तों गुरेज़ करना चाहीदा है उन्होंने कहा कि बिट्टू भरा मैं तुहानू दसना चाहती हाँ कि यह पहली बार नहीं है कि राजा बड़िंग इस तरह बोले असी दोवें अपने दिल की गल करते हाँ किसी भाषण नूं असी पढ़ के नहीं बोलते लोग जानते हैं अते समझते हैं कि असी उन्हां नूं की कहना चाहते हाँ अमृता बड़िंग ने कहा कि उन्होंने पति अते कांग्रेसी आगू राजा बड़िंग ने उन्होंने सियासत दे विच तुरना सिखाया है अज वह जो कुछ भी हैं वह राजा बड़िंग की बदौलत हैं उन्हां रवनीत बिट्टू नूं कहा कि अजिहे कोझे मजाक नूं महिलावां बड़ी चंगी तरह समझदियां हन मैं प्रधानमंत्री अते गृह मंत्री नूं पत्र लिखना चाहांगी कि उन्होंने किस तरह के आदमी नूं मंत्री बनाया है अजिही मानसिकता वाले आदमी नूं इन्ने वड्डे अहुदे उत्ते नहीं होना चाहिंदा सुनो इस दौरान होर की कुछ बोले अमृता बड़िंग मैं कदी भी किसी सियासी बयान दा जवाब देना जिंदगी च कदी ठीक नहीं समझा पर मेरे ना बिट्टू वीर जी दा एक बयान आया है कल जिदे विच उन्होंने राजा जी दी मानसिकता ते क्वेश्चन रेज कीता है तो मैं आपदे वीर नूं उहदा जवाब देना जरूर चाहूंगी बिट्टू वीर मैं तुहानूं दसना चाहुंदी है कि जिहड़े गलबात राजा जी ने कीती लोगां दे नाल इस तरह दी गलबात वह अक्सर करते रहेंगे और मैं भी करती रहनी है साढ़े परिवार का एक तरीका है कि असी कभी पढ़ के स्पीच नहीं बोलते जो दिल की गल हुंदी है ना वो लोगों के सांझी करी दी और बड़े प्यार नाल करी दी है और लोग उस चीज नूं समझदे है कि ये किस रवैये दे नाल और किस लहजे दे नाल गल की जा रही है हसना खेडना मन का चाओ हासा मजाक साडियां स्पीचेस का एक बड़ा मेजर हिस्सा है वह जिहड़ी राजा जी गल कन्वे करना चाह रहे थे कि सुबह 6 बजे तो लैके अमृता 11 बजे तक लोगों के हाजिर रहती है यह गल कन्वे करना चाह रहे थे हास्य मजाक नाल लोकां नूं ओह गल समझ आ गई पर बड़ी हैरानी दी गल है कि तुहानूं भाजपा ने बिना जित्तिआं मंत्री बनाता बड़ा वड्डा पद देता पर तुहानूं इह निक्की जी गल समझ नहीं आई जो राजा कन्वे करना चाह रहे सी पर तुसीं उस चीज़ नूं तोड़ मरोड़ के औरतां दे इंसल्ट वाल पासे लै गए मैं तुहानूं कहना चाहुंदी हां बई गल सुनो मेरी अज मैनूं पब्लिक लाइफ दे विच विचरदी नूं इक उम्र बीत गई अज 13 साल हो गए राजा जी नूं गिदड़बाहा तों इलैक्शन जित्तिआं जनवरी च 13 साल हो जाणगे ते 13 साल हो गए मैनूं गिदड़बाहा दे विच पब्लिकली विचरदिआं मैं जिंदगी च जे आसरा फाउंडेशन चलाउणी है मैनूं उहदे विच किसे वी चीज़ दी जरूरत हुंदी है तां हमेशा राजा जी
जी ने उदी सपोर्ट कीती है और उदी कामयाबी दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा हाथ है। जे मैं अज गिदड़वा दे विच कंटेस्ट कर रही है तां और उदे विच उन्हां दा बहुत वड्डा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मैनू स्टेप बाय स्टेप आप दे नाल तुरना सिखाया, मैनू हमेशा हौसला दिता है कि जो भरा कर सकदे औरतां उहदे नालों वध कर सकदियां। जदों टिकट मिली सी बाई मैनू उदों तुसीं कहिंदे सी राजा जी ने पत्नीवाद करता, उदों फिर तुसीं तंज कसिया सी। अज जी उह हासे मजाक दे नाल इह कह रहे है कि मेरी वाइफ लोकां दे विच 6 बजे तो लैके 11 बजे तक रहिंदी है और तैयार होके जांदी है, तो भाई तुसीं इहनूं कहिंदे औरतां दी बेइज्जती होगी, कमाल होगी तुहाडे लई, तुसीं कहना तुहानूं दिक्कत की है, प्रॉब्लम की है मेरे वीर तुहानूं। मैं लोकां दे विच जे अज विचर रही हां और अज जो कुछ भी हैगी है दैट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर राजा वड़िंग। इहदी शुरुआत मिस्टर राजा वड़िंग जी दे नाल व्याह तों बाद हुई। मैं कदी पॉलिटिक्स विच पहला नहीं सीगी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां बड़ी क्लीयरली, प्लीज तुसीं इस तरह दे कुछ जे मजाक जदों करदे हो ना औरतां बड़ी चंगी तरह समझदियां हैं। बड़े इस तरह दे लोक भी हैगे ने जिहड़े आपदियां वाइफ्स नूं इस तरह नहीं सपोर्ट करदे और चाहुंदे नहीं कि लेडीज अगे आउण। मैनूं तां इह लगदा कितें तुसीं इस तरह दी सोच लई बैठे हो और तुहानूं चंगा नहीं लग रिहा कि एक लेडी गिदड़वा तों कंटेस्ट कर रही है। तुसीं वक्खो वक्खरे कदी पत्नीवाद कह के रोकना चाहुंदे हो, कदी इस तरह दे बयान नूं तोड़ मरोड़ के बेइज्जत करना चाहुंदे हो, पर बाई जी आ मेरी हथ बन के बेनती है, तुसीं वड्डे भरा हो, तुसी चंगे नहीं लगते इस तरह के मजाक करते। तुहानू भाजपा ने एक रुतबा दिता है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बारी टिकट दे के नवाजिया और इस तरह का रवैया इस तरह के बयान लोग तुहाडे तो उम्मीद नहीं रखते, एक्सपैक्ट नहीं करते। कृपा करके इस तरह की बयानबाजी तो टलिया करो, ना करिया करो। इस तरह का बयान तुहाडी कुछ ही मानसिकता दर्शाता है। और मैं तो साडे सत्कारयोग प्रधानमंत्री जी नूं और गृह मंत्री जी नूं चिट्ठी लिखना चाहांगी कि इस तरह की मानसिकता दे इंसान नूं तुसीं मंत्री बनाया है और एक पासे तुसीं 33% रिजर्वेशन दीआं गल्लां करदे हो, तुसीं कर की रहे हो, इस तरह के बंदे नूं एडे वड्डे अहुदे ते होना ही नहीं चाहिए।